Good luck to KK Showbiz and entire team. Good luck. Okay. You have good voice, huh? Radio, huh? Force, yeah. Radio. This waltz, this जो गोला बना के रखा हुआ है, you can't break that. So it will take time to release. That's why we are facing some difficulties, because of that. Getting back to your music, you've done so many big shows. What's been your favorite? Venezuela, you've done in thousands and thousands of people in UAE में. UAE में मैं सबसे बड़ा शो तो नहीं कहूँगा, but UAE में last 2008 या 9 में मैं एक शो किया था शारजा स्टेडियम में, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, and वहाँ पे 22,000 crowd था, and it's a half of the stadium. They have taken half of the stadium, but later on stadium full होने लगे तो ये लोग बंद कर दिया था, and that was, and I have done the biggest show in my life. It's in Bengal. It's in Bengal, and there was 3,300,000 crowd, 300,000 crowd, and 200 screens लगाया गया था, 200 screens लगाया गया था, and 3 lakh people उसके सामने मैं परफॉर्म किया था, and after that in Salt Lake Stadium 1,50,000. Amazing. So we have done so many shows like this. So how do you, before you go on stage, how do you prepare yourself? एकदम नॉर्मल इंसान, एकदम नॉर्मल. Just go up and. हाँ, मेरा खाली एक चीज़ होता है कि आज भी मैं शो में जाता हूँ या रिकॉर्डिंग में जाता हूँ तो मेरा हाथ पैर सब ठंडा हो जाता है. ऐसा लगता है कि दिस इज माय फर्स्ट शो, दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग. तो उससे पहले हाथ पैर ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस महसूस करता हूँ. But that's good. थोड़ा सा नर्वस. I think जितना दिन मैं नर्वस रहूँगा उतना दिन आई एम एन आर्टिस्ट. हाँ, जिस दिन हमारा ये नर्वसनेस चला जाएगा उस दिन मैं आर्टिस्ट नहीं रहूँगा. मेरे को ये बताया था आशा जी के साथ एक शो मैं करने गया था तो उसमें आशा जी को बोला कि आशा जी बोलता कि बेस्ट ऑफ लक सानू बोल के हाथ ऐसा दिया तो मैंने उनका हाथ पकड़ा. मैं देखा उनका हाथ भी ठंडा है, मेरा हाथ भी ठंडा है. तो मैंने बोला आशा जी देखा ना कैसा ठंड हो गया. बोले सानू एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ कि जितना दिन तुम्हारा ये हाथ ठंडा होता जाएगा उतना दिन यू आर आर्टिस्ट. यू आर एन आर्टिस्ट. ओवर कॉन्फिडेंस. आप आफ्टर फर्स्ट सॉन्ग एवरीथिंग गर्म हो जाता है. आफ्टर फर्स्ट एंट्री तो बोला आशा जी ने मेरे को वही बहुत शिक्षा दी थी कि जब तक तुम्हारा हाथ ठंडा होता है तो यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू विल परफॉर्म गुड. यू विल डू ऑन स्टेज डेफिनेटली इट विल बी गुड बिकॉज आपका वो जो अंदर से जोश है वो आपको नर्वस कर रहा है. बट जैसे ही पब्लिक के सामने आप जाते हो पब्लिक का हौसला देख के आप वो नर्वसनेस कटते ही you are fantastic. You are a fantastic performer. So folks, today I'm joined by the legend Kumar Sanu ji, and one question, and maybe you guys don't know, but you're a man of charity as well. आपने बहुत कुछ किया है. बहुत किया charity, and I'm making a school over there in Canning. In Canning, just Sundarban, आप लोगों ने सुना होगा the Royal Bengal Tiger from that place, because poverty is there. कि एक माचिस का तीली होता है ना, एक जो माचिस का तीली होता है उसको बीच में से आधा करके 2 टाइम यूज़ किया जाता है. दैट काइंड ऑफ पॉवर्टी. दे यूज दैट स्टिक, मैच स्टिक, कट इट इन बिटवीन एंड यूज 2 times. तो दैट काइंड ऑफ पॉवर्टी. 1 time दे इट एंड 1 time. तो वहाँ पे एक बार ये आइला आया था, मतलब जस्ट टॉर्नेडो काइंड ऑफ थिंग आइला, एंड उसमें बहुत सारे माएँ मर चुके हैं, उसके बच्चे ऑर्फेन हो गए. तो उस बच्चे के लिए मैंने एक स्कूल बनाया, एंड इट्स उसमें उनको खाना भी दिया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा. दैट्स ऑन माय ओन कॉस्ट. मेरा सेटिस्फेक्शन है. बट मैं ये पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ. प्लीज आई डोंट लाइक टू डू. आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स but I don't want publicity. Yeah, but sometimes that is my खुद का satisfaction है, self satisfaction you can say, and मेरे को इसमें तसल्ली मिलती है. मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं अपने में रखता हूँ, बस ये मेरा. Well, before we finish, you know, we can't do this interview without 1-2 lines. Or are you allowed to sing any new ones? No. There you go. Definitely not. हाँ, कुछ गाने हैं कि मैं गा दूंगा हाँ, कि मेरे को मेरा प्रोड्यूसर बोलेगा क्यों हाँ, आपने गाया we'll look forward अगर गाना चोरी हो गया गाना क्यों चोरी हो गया तो फिर I can't do anything. So we're gonna have Dil Ka Kya Kasoor. Any couple of one or two lines जो I don't know. दिल का क्या कसूर में गाना है मेरा आपने सुना होगा. गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी क्या है इनायत. हाँ तो पहले क्या बोला था बदल. गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है आपकी इनायत है. तो ये गाने दिल का क्या कसूर का इन्होंने कहा. मैं तो कहूँगा कि एक गाना मेरा है जो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है तुमको पता है मुझको पता है समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो. ये गाना मैं क्यों गाया मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में एक बच्चा जो डेड ब्रेन बच्चा ब्रेन पैरालिटिक बच्चा जो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है उनको जब उनके पिताजी ने ये गाना सुनाया सो ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग एंड आफ्टर दैट वो लोगों ने बहुत सारे गाने सुनाए हैं. कुछ गाने में कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया बट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग कुछ ना कहो उसमें वो जितने बार उसको सुनाया जा रहा है उतने बार या तो वो हंस रहा है या तो रो रहा है या तो वो चिल्ला रहा है. तो वहाँ के जो स्विट्ज़रलैंड के जो डॉक्टर्स है वो लोग का कहना है कि देयर इज सम फ्रीक्वेंसी वॉइस फ्रीक्वेंसी दैट हिट्स हिज ब्रेन. इसलिए वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसमें मेरे को शायद जाना पड़ेगा and I have to give them the song and I have sang in front of that baby once again and उसके सामने और मैंने देखा उसको मैंने खुद ही YouTube में आप देख सकते हो इस प्रोग्राम को some दुर्गा फेस्टिवल के नाम पे वो लोगों ने दिया YouTube में. you can see that and डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग इन फ्यूचर और डेड ब्रेन चाइल्ड बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए वो लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बना रहा है फॉर 240 कंट्रीज मिल के एंड ये बहुत एक बड़ी चीज़ होने जा रहा है. इसलिए मैं ये गाना पहले ही आपको सुना दिया कि आप सुनो इस गाने में ऐसा कुछ है आई डोंट नो बाबा कि बच्चे का डेड ब्रेन वो बच्चा रिस्पॉन्ड किया. इट्स सब ऊपर वाले की देन है एंड रियली थ्रिल्ड विद दैट. बट आई थिंक योर वॉइस एंड इवन जस्ट लिसनिंग नाउ आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री. आई डोंट नो हाउ यू फील बट इट्स सो टचिंग. You get tears in your eyes, that's how powerful. How do you feel when you make people feel? That's what I'm saying to the new generation. I'm saying कि singing एक ऐसी चीज़ है, it's a therapy, it's a medicine for the those who are बहुत थका हुआ होता है, बहुत उसको relax करने के लिए music एक therapy होता है. तो इस चीज़ को आप खिलौने की तरह इस्तेमाल मत करो. You sing from your heart, it will touch others' heart. तो आप अगर आपका दिल से और आपका मन से आपका हृदय से गाते हो तो वो आपका हृदय टच करेगा ही करेगा किसी भी हालत पे. सो मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई मैं जब गाता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे को अगले का दिल को छूना है. सो किस तरह से हम उसको छुए उसका मेरे में जो एक चाहत होती है that helps me to touch your heart. And that's why this team here, they're absolutely lovely, and they were singing a song from Aashiqui. So you have to just do one line from Aashiqui and another one from Sarak for me. Aashiqui, any song, they all love this gang here. Aashiqui, you can see that धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। दिस इज आशिकी एंड सरक। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है नॉट खाई है कसम खाई है कसम। तेरी आँखों में चाहत की नजर आई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है नजर आई है। There you go. Kumar Sanu on KK Showbiz. Oh my goodness.